तो अपने लखनऊ में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफी सारे ब्लॉगर्स हैं, लेकिन एक ऐसे भाई साहब, इनका वीडियो जब भी देख लो मजा आता है। बात करने का अंदाज इतना सही है। नील चाके इनका नाम है भाई, स्वागत है प्योर एफएम पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं ये मेरा पहली बार है, कुछ होगा तो नहीं? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत एकदम धांसू तरीके से हो रही है। सही शाम को हो रही है, वो बात अलग है कि क्योंकि आज पूरा दिन थोड़ा इधर उधर रहा था ना, पता नहीं चल पाया। अभी मैं खड़ा हूँ ऋतिक के, वेट कर रहा हूँ ऋतिक का, ऋतिक आ जाए तो मैं और ऋतिक जा रहे हैं। अभी पहले एक छोटी सी भाई का 100 के हुआ है लखनऊ ग्लिम्स, और क्या है एक सुकून लखनऊ का 50 के हुआ, तो उस चीज़ में जा रहे हैं। उनको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से अगर वो ब्लॉग देख रहे हैं, और ये पूरा ब्लॉग देख रहे हैं पूरा, क्योंकि लास्ट तक ना तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इस ब्लॉग में, शायद तुम्हें थंबनेल से तो पता चली जाएगा जो भी है। तो फिलहाल ऋतिक का वेट कर रहा हूँ, ऋतिक आ जाए बस निकल के, तब तुम्हें चलते हैं सीधे पार्टी। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मीटअप रखा, छोटा सा गेट टुगेदर है, तो वो मिलेंगे, उसके बाद सीधे मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल भाई ऋतिक आने में वेट कर रहा है, तैयार हो रहा है। मैंने कहा यार मुझे बुलाया है, तुम तैयार फालतू में हो रहा है, तो फालतू में तैयार हो रहा है, आ जाएगा। फिलहाल वेट कर रहे हैं, मौसम देख रहे हो शाम का, रोमांटिक 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 क्या ही मौसम है, शाम का तो ऐसे ही मौसम होता है। घर ऐसे बनवाओ यार, बड़ा पता नहीं कब बनवा पाएंगे घर। घर तो छोड़ो यार, गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं। कह रहे हो तैयार होके आ गया, अरे बुलाया जब मुझे तो तू तैयार होके कहा आ गया। वहाँ लड़कियाँ नहीं आ रही हैं, तो यही दांत दिखा रहा है। चलो फिलहाल गाड़ी यही चलाएगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि देखो इसलिए तो रखा है एक ड्राइवर मैंने। चलो चलते हैं। हाँ ऋतिक गाड़ी चला रहा है फाइनली। और ऋतिक भाई कैसा लग रहा है मेरी गाड़ी चला के? मस्त एकदम। मेरे साथ बैठ के अच्छा लग रहा है, गाड़ी चला के मेरी अच्छी लग रहा है? आपके साथ भाई गाड़ी चला के देख रहा, मेरे साथ बैठ के लोगों को अच्छा लगने लगा है। फिलहाल ले चल रहा है इसको एक छोटी सी गेट टुगेदर में, इसको क्रिएटरों से मिला दूं, बेचारा बहुत परेशान रहता है, बड़े बड़े क्रिएटरों से मिला दूं उसको, है ना। चलो ले सीधे, चलो सीधे 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 गाइस, सीधे सीधे। तो फाइनली हम आ चुके हैं भाई, बेबी पिज्जा, पिज्जा पिज्जा बेबी, जो भी हो पिज्जा है बस, पिज्जा बेबी, बेबी को पिज्जा खिला दो या पिज्जा बेबी, वो बात एक ही है। और यहाँ पे भाई बड़े बड़े क्रिएटर मिल चुके हैं हमारे, देख रहे हो सारे, कुछ छोटे छोटे भी हैं, अरे मतलब क्रिएटर है, छोटे बड़े कुछ नहीं होते। अरे अपने मनीष भैया जो देख नहीं रहे हमारी तरफ, भाव नहीं दे रहे हमें, अरे क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई अमेठी वाला बड़ा तगड़ा करा दिया सिस्टम, मजा आ रही है, वो वाले दिन मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। अरे भैया बस आप ही करा सकते हैं, बाकी दीपक से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई हम लोग पी रहे कोल्ड ड्रिंक, और हमारे साथ बड़े बड़े क्रिएटर आ चुके हैं। और भाई बताओ अंकल भाई कैसा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक पी के? बहुत मस्त लग रहा है, देख सकते हैं हम लोग चेस कर रहे हैं, चेस भाई चेस। और आपको अगर पीना है तो आ सकते हैं यहाँ पे, एकदम फ्री है, दारू फ्री है, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक है भाई। देखो कैसे चुप चुप के पी रहा है। फिलहाल हम भाई आ चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में, यहाँ पे हमें बुलाया है, कहाँ बुलाया पता है भाई तुम्हें? फीवर एफएम में आरजी अनूप भाई ने बुलाया, तो हम जा रहे हैं, मेरे साथ ऋतिक भी आया है, और चलो चलते देखते हैं भाई का कैसा क्या प्लान सेटअप है, क्योंकि भाई ने कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हमने, कोई बात नहीं भाई हम आ जाते हैं, जो भी पूछना हो पूछ लेना। क्यों भाई बताओ, आज कहीं ऐसा तो नहीं पोल खोल देंगे, तुझे क्या लगता है कोई लड़कियों के बारे में तो नहीं पूछ लेंगे? जो भी है पता चलेगा अंदर जाके, है ना, अभी तो फिलहाल कॉल कर दिया है अभी। तो फाइनली हम आ चुके हैं फीवर एफएम, जो भी नीचे आप देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा लिखा है, दिख रहा है ना, ऐसे ही रखो, और नहीं तो फिर भाई सेकंड फ्लोर पर हिंदुस्तान टाइम्स पॉलिटेक्निक के पास, अब आ जाओ भाई, कर दिया करेंगे, आ जाओ। तुम कुछ ना, मैं अकेले बोलूंगा तो फिर अरे आ जाए पूरा फीवर, और हम लोग यहाँ फीवर लाइव। यहाँ पे आरजे अनु भैया जो है पूरी पोल खोलेंगे मेरी, कहीं हो सकता है मैं उल्टी उल्टी पोल खोल लूं। फाइनली फाइनली गाइस पहुंच गए, और वेटिंग एरिया बिठा दिया यार, क्या कहना चाहोगे? अरे मतलब बोला भैया से कि हम आ गए ऑफिस में, बता दिए, तो उनके कलीग है उन्होंने बता दिया होगा कि भाई आ चुके हैं। तो भाई यार पहली बार मैं इंटरव्यू दूंगा कहीं रेडियो वगैरह पे, थोड़ा सा अंदर से तो नर्वस हूँ, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, है ना, क्या लग रहा है तुम्हें? ठीक है तो भाई फिलहाल चलो चलते हैं अनु भैया से मिलाएंगे। और फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं अनु भैया से मिलने, और ओके आ जाओ अंदर के अंदर आराम से, देख के पता चले गिर भाई कितना, हम ज्यादा अंदर नहीं है भाई, कितनी ज्यादा थोड़ी दूर पे है, ओके आ जाओ आ जाओ।
ओ भाई कितने सारे गेट है, मुझे लग रहा है मैं भूल भुलैया वाली गली में आ रहा हूँ। और आ चुके हैं हम अनु भैया से। क्या हाल है भैया? मिले हमारे अनु भैया से। अरे नहीं भाई, मुझे लग रहा था मैं भूल भुलैया में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोगों को। बैठो भैया, तब तक भैया गए उधर, तब मैं सेटअप दिखा देता हूँ। तो भैया आप हमें सेटअप दिखाएंगे और क्या क्या बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में मुझे वैसे ज्यादा जानकारी, मतलब अनु भाई हमें यहाँ छोड़ के उसके बाद ये फीडर है, ये बाकी स्क्रीन है हमारे, जो भी काम होते हैं, जो भी मतलब जो भी एडिटिंग होती है सब इस पे होते हैं, और ऑडियो जो रिपिंग होती है सब इस पे होती है, ऑन एयर सब इसी से आता है। बहुत बढ़िया भाई, देख रहे हो गाइस, जैसे कि यहाँ पे गिटार वगैरह लिखा भी है यहाँ पर। अनु भैया की जो रील्स आती है ना इन गिटारिस्ट के साथ, वो ये रखे देखो भाई, हमेशा साथ में रखते हैं। फीवर 104 आप सुनेंगे लाइव। ये कब लाइव होगा ये तो अनु भैया बताएंगे ना, मुझे नहीं पता कब लाइव होगा, जब भी होगा तो कब पता होगा। तो फिलहाल आते हैं भैया, मैं ये मेरा पहली बार है, कुछ होगा तो नहीं? अच्छा मैं पूछ ले रहा हूँ भैया से, क्योंकि पहली बार है कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। अच्छा मतलब वही चीज है ना, थोड़ा डर लग रहा है, पहली बार है। तो अपने लखनऊ में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफी सारे ब्लॉगर्स हैं, लेकिन एक ऐसे भाई साहब, इनका वीडियो जब भी देख लो मजा आता है, बात करने का अंदाज इतना सही है। नील चाके इनका नाम है भाई, स्वागत है फीवर एफएम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। तो ये हम जानना चाहेंगे, काफी लंबी जर्नी रही है आपकी, एंड पूरे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में सब आपको भैया भैया बोलते हैं, लेकिन भैया ने ब्लॉगिंग कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया? ब्लॉगिंग एक्चुअली क्या था, मैंने पहले मैं पढ़ाई कर रहा था एज ए स्टूडेंट, मैं लखनऊ में आया था। हाँ एक सेकंड जरा सा बाबू, ये माइक थोड़ा सा इधर कर देना। मुझे शहर से हो गया, शहर से प्यार, लखनऊ से मुझे प्यार हो गया। क्या बात। तो फिर पहले एग्जाम वगैरह दिए, एग्जाम में नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा शायद सरकारी नौकरी मेरे लिए है नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे आ गया। और उसके बाद फिर मैंने, मेरा मानना है कि 1090 एक ऐसी जगह है, वहां पे आपको रात को 3 बजे भी पहुंच जाएंगे ना, बहुत सुकून मिलेगा। दिन में 12 बजे भी आप पहुंच जाएंगे तब भी सुकून मिलेगा। एक तो वहां पे माहौल इतना अच्छा होता है, माहौल इन द सेंस आप कह सकते हैं, वहाँ के लोग, खाने पीने की बात हो रही है वहाँ का, चटोरी गली ना पास में, चटोरी गली और भी कुछ है, चटोरी गली में कुछ लोग खाने जाते हैं, कुछ लोग देखने जाते हैं, मतलब खाना बनते हुए काफी अच्छे। तो एक जगह है मैं जिसका नाम लूंगा, जिसको बोलते हैं लोग भूल भुलैया, भूल भुलैया। वहाँ आप जाके एक दूसरे में खो सकते हैं, तो और जब आप एक दूसरे में खो जाएंगे तो मोहब्बत हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। सही बात है। एक और एक और लोहिया पार्क तो सुना ही होगा, वो तो मोहब्बत के लिए बदनाम ही है। ये तो है, बट लोहिया पार्क वैसे है बहुत खूबसूरत, बदनाम तो फिजूल में ही है, मतलब वो सिर्फ बदनाम कर रखा है। अगर मोहब्बत आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो लोहिया पार्क जा सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। मैं लखनऊ पे मरमिट हो गया, आप अगर यहाँ जाओगे, इन जगहों पे जाओगे तो आप सनम पे मरमिट होगे। बहुत बढ़िया। तो अभी जो होने वाला है, मान लो एक सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन है उन लोगों के लिए जो आज तक लखनऊ नहीं आए हैं, तो नील भाई अपने अंदाज में क्या बोलना चाहेंगे? ये है अपने अनुप भाई की भूल भुलैया, देख रहे हैं भैया, अनु भाई की भूल भुलैया, भूल भुलैया। मुझे लगता है ना कि यहीं से डिजाइन किया गया, यहाँ सोच यहाँ पे बैठे होंगे, फिर डिजाइन किया गया होगा ये अपना छोटा अनु भाई का। और क्या बताएंगे भैया आप इसके बारे में, और क्या अपने ऑफिस के बारे, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है ये बता दीजिए मुझे बस। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले जब मैं छोटा था तब मैं सोचता यार मैं आरजे बनूंगा, यार आरजे में क्या है ना, मुझे लगता था ना लड़कियां ज्यादा आरजे पे फिदा होती हैं, सब कुछ है क्या, सही बताना भैया, सही नहीं बताना, सही नहीं बताना, हमें तो नहीं लगा भाई ऐसा। पर मुझे मतलब बचपन से लगता था कि आरजे, यार आरजे के पास 2-3 गर्लफ्रेंड तो होती होगी, देख रहा भैया बोले सही बात है, गलत फहमिया गलतियां हो ही जाती हैं। हम शक्तिमान को असली समझ लेते थे, उंगली उठा दी गोल गोल घूमते थे, तो चलता है यार, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, बस अनु भैया का प्यार है इसलिए तो। क्या बात है। तो भाई हमारे बीच में आ चुके हैं अंकित भाई, क्या हाल है भाई, क्या मुंह में घुसड़ वाला जाते हो सौरभ भाई,
आपका हेलमेट कितना कमा लेते हैं? सोचते बहुत कमा ले लेकिन कमा नहीं पाते। और भैया कहाँ हेलमेट? टूटा फूटा हेलमेट। इनका हेलमेट चोरी नहीं हो रहा भाई, कोई दिखे इनका हेलमेट, कोई चुरा ले जाए भाई, प्लीज चुरा ले जाओ इनका हेलमेट। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चोरी हो जाए तो उसके बाद नया लेना। और अंकित भाई आपकी बनारस ट्रिप कैसी रही? अरे वो बढ़िया रहा, मैं सोच रहा हूँ इसका हेलमेट चोरी करवाता हूँ। 500 रुपए देखिए। 500 नहीं यार, कहीं रहेंगे ऐसे चोरी कर लेंगे। चलो चलो भाई, अंकित भाई भी जा रहे हैं और ये ऋतिक भी है और हम भी जाए। गाइस मैं भी हूँ इधर। चलो बाय बाय टाटा, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे डिस्टेंसर। चलो ठीक है, जाओ बाय 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 बाय। देखो हाथ कैसे मिला रहे लड़कियों की तरह।